सहारन थाना क्षेत्र में बाइक सवार छात्रों की स्कूल बस से जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो छात्र हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छात्र दिल्ली रोड स्थित सरस्वती विहार विद्यालय में जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही स्कूल बस ने छात्रों की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दिल्ली रोड पर रामपुर थाना क्षेत्र में मेडिग्राम हॉस्पिटल के पास में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बस ने एक बाइक सवार तीन लोगों को घायल किया, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है। ये तीनों छात्र हैं जो कि सरस्वती विहार इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही परिवार के लोग बच्चे हैं। इनमें से एक बच्चे की मृत्यु हुई है और दो बच्चे भी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और बस चालक की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। बलात्कारी राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की पंचकुला सीजीएम के कोर्ट में पेशी हुई। अंबाला जेल से हनीप्रीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचकुला कोर्ट में पेश हुई, जहां कोर्ट ने हनीप्रीत की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अब हनीप्रीत की 1 दिसंबर को पेशी होगी। हनीप्रीत पंचकुला में हुई हिंसा की आरोपी है। पुलिस राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद हिंसा भड़काने वालों को लगातार गिरफ्तार कर रही है। अंबाला जेल में हनीप्रीत सुखदीप के साथ हिंसा के अन्य आरोपी भी बंद हैं। दरअसल 25 अगस्त को राम रहीम को साधियों से रेप के मामले में दोषी करार देने के बाद डेरा समर्थकों ने पंचकुला में खूब तोड़फोड़ और आगजनी की थी। वहीं इस मामले में हनीप्रीत का भी हाथ था। पंचकुला में दंगा भड़काने के लिए सिरसा डेरे में 17 अगस्त की रात को बैठक हुई थी। इस बैठक में 45 सदस्यीय कमेटी के 20 मेंबर मौजूद थे। बैठक खुद हनीप्रीत ने ली थी। आदित्य इंसा और गोपाल इंसा इसमें मौजूद थे। 17 अगस्त की रात इन सब की मोबाइल लोकेशन यहीं पर मिली। इस मीटिंग में ही तय किया गया था कि डेरा चीफ गुरमीत सिंह को कोर्ट साध्वी रेप केस में दोषी करार देती है तो पंचकुला में दंगा कैसे भड़काना है। एसआईटी के मुताबिक ये बातें हनीप्रीत ने पुलिस पूछताछ में भी मानी है। अब मोबाइल लोकेशन डेरे के अंदर की मिलने से केस को मजबूती मिली है और हनीप्रीत की मुश्किलें बढ़ना तय है। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। मिस वर्ल्ड बनी मानुषी ने देश ही नहीं बल्कि हरियाणा का नाम भी पूरे विश्व में रोशन कर दिया है। मानुषी का परिवार मूल रूप से बहादुरगढ़ के गांव बामडोली का रहने वाला है, जो इस समय दिल्ली के DRDO एंक्लेव में रहते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक और विवादित बयान दिया है। विज ने बापू पर बने गीत को देश के शहीदों का अपमान बताया है। विज ने कहा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल के। गीत देश के उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मंत्री अनिल विज द्वारा बापू गांधी पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। दीपेंद्र ने विज के बयान की निंदा की और उन्हें कॉमेडियन बताया। दीपेंद्र ने कहा कि विज कुछ भी कहते रहे, प्रदेश की जनता और राजनेता उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन CM मनोहर लाल ने नुहू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खट्टर ने इस दौरान अपनी सरकार की खूब पीठ थपथपाई। CM ने माना कि प्रदेश में 1500 डॉक्टरों की कमी है और उसे जल्द भरने का CM ने आश्वासन भी दिया। CM ने दावा किया कि उनकी सरकार के सिस्टम में काफी सुधार किया है। हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचर्स को झटका देने वाली है। नुहू में मीडिया से बातचीत करते हुए CM मनोहर लाल ने कहा कि रेगुलर टीचरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, भर्ती होते ही गेस्ट टीचर्स की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर गरीबों की दाल तक डकारने का आरोप लगाया है। रोहतक पहुंचे हुड्डा ने कहा कि भाजपा दाल घोटाले में संलिप्त है, इसकी CBI जांच करवाई जानी चाहिए। सोनीपत के सेक्टर 14-15 में जागरण में शामिल होने आई बल्लभगढ़ की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। 13 नवंबर को हुई इस घटना से सहमी लड़की ने सोनीपत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद में एक पिता ने 11 साल की अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की इस घटना को पिता के साथ साथ भाई ने भी अंजाम दिया है। बच्चे की शिकायत पर पुलिस ने भाई और पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बरवाला के करौथा आश्रम में हुई हिंसा के ठीक 3 साल बाद एक बार फिर रामपाल के समर्थक सड़कों पर उतर आए। हाथों में होर्डिंग लेकर रामपाल के समर्थकों ने रोहतक में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रामपाल को रिहा करने की मांग की। रामपाल के समर्थकों ने सरकार पर उन्हें जबरन फंसाने का आरोप लगाया। करनाल के गांव जुंडला में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शताब्दी वर्ष समारोह
बड़े धूमधाम से मनाया। शताब्दी समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर विशेष रूप से पहुंची और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने इंदिरा गांधी को रियल हीरो बताया।